कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसानों से चुनावी वादा, सरकार आने पर सभी कर्ज एक मुश्त सेटलमेंट करने का दिया भरोसा। बोले कर्ज तले दबे किसानों की जायदाद को नीलामी से बचाने के लिए लाएंगे कानून। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बादल सरकार को झटका, अदालत ने 18 सीपीएस की नियुक्तियों को किया खारिज। पंजाब सरकार में सीपीएस और बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने किया सीपीएस की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले का स्वागत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा प्रदेश सरकार ने कानून का उल्लंघन कर सीपीएस की नियुक्ति की थी। पंजाब के बाद हरियाणा की भी सीपीएस पर लटकी तलवार, 24 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। देशभक्ति गीतों के बीच आज अमृतसर में होगा तिरंगा यात्रा का आगाज। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी करेंगे यात्रा की अगुवाई। देश भर में बीजेपी निकाल रही है तिरंगा यात्रा। शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, कश्मीर में सिखों की सुरक्षा की उठाई मांग। शिरोमणि अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कश्मीर में सिखों को अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी। पंद्रह अगस्त के बाद अकाली दल और एसजीपीसी कमेटी का डेलीगेशन जाएगा कश्मीर, सिखों से करेगा मुलाकात, सीएम बादल ने दी जानकारी। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम, हमें दिल जीतना होगा कश्मीर का। पाक अधिकृत कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाने में नाकाम, पाकिस्तान ने नई चाल चली, कहा कश्मीर के मुद्दे पर ही करेंगे भारत से बात। जम्मू कश्मीर पुलिस को राज्य में भारत विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आदेश। पंजाब में सरकारी काम के लिए लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगी सुविधा, मुख्यमंत्री बादल ने जालंधर में किया सेवा केंद्र का उद्घाटन। और विनू की जमीन मामले में बोले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बागी का फाइनेंस सचिव को इस पर काम करने के दिए निर्देश, जल्द मिलेगा रिटायर्ड फौजियों और शहीदों के परिवारों को उनका हक। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने उठाया था मुद्दा। पिछले 260 दिनों से धरने पर बैठे शिक्षा प्रोवाइडर्स को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन, हिम्मत सिंह शेरगिल ने की शिक्षा प्रोवाइडर्स से मुलाकात, नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं शिक्षा प्रोवाइडर्स। आज हिसार को मिल सकता है कई बड़ी सौगातें, मिल सकती हैं हिसार को विकास रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं कई बड़े ऐलान, सीएम जनसभा को भी करेंगे संबोधन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अधिकारियों के साथ की विकास कार्य की समीक्षा बैठक, विकास के कार्य पूरा करने के दिए आदेश। जींद के कंडेला गांव में खापों ने शादियों में फायरिंग और डीजे पर लगाई पाबंदी, केंद्र सरकार से एक गोत्र में शादी पर पाबंदी की मांग की। आईएनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने एयरक्राफ्ट हादसों को लेकर सदन में उठाया सवाल, पूछा 3 साल में अब तक कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। 28 अगस्त को हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र का होगा सम्मान, तैयारियां पूरी। हिमाचल सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 428 कैदियों को सजा में दी छूट, 15 से 60 दिन तक की सजा हुई माफ, 3 कैदियों को किया गया वक्त से पहले रिहा। 13 अगस्त को हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज रियो जाएंगे, खिलाड़ियों के बढ़ाएंगे उत्साह। रियो ओलंपिक में मिक्स्ड डबल्स टेनिस मुकाबले में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने जगाई मेडल की उम्मीद, सेमीफाइनल में पहुंची भारत की जोड़ी। बॉक्सिंग की 75 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे विकास कृष्णन। रियो ओलंपिक में भारत की नाकामी का सिलसिला जारी, हॉकी टीम का कनाडा से हुआ मुकाबला ड्रॉ, तीरंदाजी में अतानु दास ने किया निराश। पंजाब हरियाणा में
अगले 48 घंटे में तेज बारिश के आसार। हिमाचल में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताई आशंका।